रहमान रहीम मेरे प्यारे बहन और भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो बआसानी आपको मिल सके। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें ताकि जितनी भी कोई परेशानी कोई मुश्किल हो वो हम खुद आपके साथ मिलकर हल करें। और हमारे फेसबुक जो पेज है तो वहां पर आप ऐड हो जाएं ताकि मैसेंजर पे मैं आपकी बात भी सुन सकूं और आपके मसले का हल भी निकाल सकूं। बाकी अल्लाह पाक बेहतर करे इंशाल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद रुबानी और हदीस इनसे शुरू करते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि लोगों तक हमारी इस आवाज को पहुंचाएं ताकि और लोग भी जो उनसा है इससे मदद हासिल कर सकें और इनको आने वाली जिंदगी में आसानी हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से हर एक जब तक वो अपनी उस जगह पर ही रहे जिस जगह उसने नमाज अदा की और वो ना कलाम करे और ना अपनी जगह से खड़ा हो, अल्लाह ताला के फरिश्ते इसके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह इसको बख्श दे, इस पे रहम फरमा। तो जो नमाज आप पढ़ते हो तो जितनी देर आप दुआ करते हो ना, जितनी देर जाए नमाज पे बैठे रहते हो तो उतनी आपकी मुश्किल परेशानी तंगदस्ती हर चीज खत्म हो, क्योंकि अब फरिश्ते आपके लिए दुआ कर रहे होते। तो सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात है कि फरिश्ते हमारे लिए दुआ करें। आज का जो अमल मैं आपको बताने लगी हूँ, अमल मैं आपको तीन लोगों के लिए बताती हूँ, मियां बीवी, रिश्तों के लिए, रिश्तों की बंदिश के लिए, और साथ में आपके प्यारे जो आपसे रूठ गए हैं उनको मनाने के लिए। गौर से अमल को सुना करें। कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं आप इसके बाद या इसके बाद, एक दफा गौर से वीडियो को दोबारा देख लिया करें। नंबर एक। नंबर दो, अमल बहुत लाजवाब है, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा, लेकिन मेरे जितने भी अमल हैं उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। बंद कमरे का आज मैं आपको अमल बताऊंगी। अगर आपके पास बंद कमरा नहीं है तो कोई ऐसा कोना या गोशा जो सा है वो इख्तियार करें जहां पर बहुत ज्यादा खामोशी हो घर के अंदर। ठीक है, कमरे के अंदर अगर बहुत शोर है, तो अगर कमरा भी एक है तो फिर कानों में रुई लगा ले ताकि किसी और की आवाज ना। फिर तहज्जुद का वक्त ऐसा होता है कि आप खामोशी से हर बात जो सी है आप आसानी से, जो किसी कोई आपकी आवाज नहीं सुन सकता और आप सबको अपनी बात कह सकते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। गुलाब की पत्तियां आपने लेनी है, गुलाब की पत्तियां अगर फर्ज करें कि आपके पास गुलाब की पत्तियां जो हैं वो गुलाबी रंग की हैं, तो फिर उनको थोड़ा सुखा लें। अगर आपको लगता है गुलाबी रंग की नहीं है और सही गुलाब है तो बेहतर है उसकी पत्तियां निकालें, ताजा गुलाब लें और उसकी पत्तियों को ले लें। गुलाब की जो पत्तियां होती हैं वो ताजा लेने की इसलिए जरूरत होती है कि एक तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना मुबारक और खुशबू होती है, और दूसरा ताजा फूलों की एक अपनी एक महक होती है, तो वो बहुत लाजवाब होती है, उस पर असर भी बहुत ज्यादा होता है। बंद कमरे के अंदर जो मैं आज आपको अमल बताने लगी हूँ, जिस तरह मैं आपको समझाऊंगी प्लीज वैसे कीजिएगा, गलती की किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं। वजीफा अलग चीज है, अमलियात अमल अलग चीज है। वजीफा का असर होता है लेकिन बहुत देर में, लेकिन अमलियात एक ताकत पकड़ते हैं, एक उनकी ताकत होती है, तो बस इस चीज का ख्याल रखें। गुलाब की पत्तियां आपने एक गुलाब, जितनी भी उसके अंदर पत्तियां हो, पानी का एक गिलास या बोतल, कोई भी शीशे की ले लें प्लास्टिक की ले लें, पर उसके अंदर पानी होना बहुत जरूरी है। बिस्मिल्लाह से शुरू करें, अव्वल आखिर दुरूशे पढ़ें, वक्त मुकर्रर कम अज कम आप तहज्जुद के वक्त करें तो बहुत आला, क्योंकि खामोशी बहुत ज्यादा होती है। नंबर दो, और अगर ईशा के बाद या 12 बजे से पहले पहले 11 बजे और 12 के दरमियान करें तो ये सात भी अच्छी होती है, और दिन पीर जुमेरात और जुमा वक्त भी मैंने आपको बताया। कपड़े पाक साफ हों, खुशबू से मोतर हों, अतर आपने लगाया हो, पढ़ाई में आप बैठे हों, बेशक आप ईशा की नमाज पढ़ने के बाद भी अमल करें तो बहुत आला है। दो नफर हाजत के पढ़ के अमल शुरू करें और बिल्कुल अपने दिमाग से ये चीज खत्म कर दें कि आप के पास मतलब कि कोई जहन में कोई ऐसी बात है, परेशानी है, इजी हो गए।
اگر ذرا سا شور و غل لگے تو کانوں میں روئی رکھ کر آپ عمل کریں. پڑھنا کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ نے اس کے بعد پڑھنا ہے یا دردائیل یا اسرافیل یا دردائیل یا اسرافیل 33 مرتبہ. بالکل اسی طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا دردائیل یا اسرافیل یا دردائیل یا اسرافیل. اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اپنا نام, اپنی والدہ کا نام, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پڑھنا ہے خوب, اپنا نام, اپنی والدہ کا نام خوب, جس کے لیے آپ عمل کریں اس کا اور اس کی والدہ کا نام, ٹھیک ہے. اگر آپ پورے گھر کے لیے, شادی کے لیے عمل کر رہے ہیں تو پورے گھر والوں کا نام بھی لے سکتے ہیں, جو نہیں مان رہا ان کا نام لیں. اگر آپ اپنے کسی پیارے کو بلانے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر اس کا اور اس کی والدہ کا نام لیں. اگر آپ میاں بیوی ہسبینڈ وائف کے لیے کر رہے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ جو اس جس کو جس کے لیے عمل کر رہے ہیں, جو آپ کو تنگ کر رہے ہیں, ناراض کر رہے ہیں, اس کے لیے کریں. پہلے دعا کریں کہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور وہ اچھے طریقے سے آپ سے بات کرے. نیت جو بھی ہوگی وہ ہی ہوگا انشاءاللہ. ایک دن کا عمل ہے, ایک دن کر کے دیکھیں, واضح فرق محسوس ہوگا. زیادہ تڑپ, زیادہ چاہت پیدا کرنی ہے پھر دو دن کریں. اگر بہت زیادہ مطلب کہ وہ ناراض تھا اور آپ چاہتے ہو کہ بہت زیادہ وہ ہم سے پیار محبت کریں, تو اپنے ہسبینڈ وائف کے لیے بھی بہت نایاب ہے, تو زیادہ 3 دن تک یہ عمل کریں. گلاب کی پتیوں پر جب آپ دم کر لیں گے, عمل پورا کر لیں گے, جس تیزی سے, جس مطلب کہ آپ اس کو ہلائیں گے, ٹھیک ہے, طاقت سے, اتنا ہی وہ اثر کرے گا. بس آپ کوشش کریں کوئی ایسا جار لے جو اوپر سے ایئر ٹائٹ ہو, اور بس اس کے اندر آپ نے جو نام اور اپنا اور جو فرشتوں کا نام لیا ہے اس کو مطلب زور زور سے ہلائیں گے نا, تو پھر انشاءاللہ آپ کا جتنا بھی مسئلہ ہے وہ حل ہوتا چلا جائے گا, کیونکہ اس کے اندر آپ نے اپنے آپ کو اور اس کو مطلب کہ جس کے لیے آپ کر رہے عمل اس کا نام لے کے بند کیا, اور فرشتے جو دردائیل ہے, اسرافیل ہے, ان کو بھی آپ نے بند کیا. تو بس آپ نے ہلانا ہے اور پھر آپ دیکھیے گا. اسی کے ساتھ اپنی اس بہن کو اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا. اجازت ضروری ہے عمل سے پہلے تاکہ میں بھی آپ کی مدد کر سکوں. چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے جو فیس بک اور میسنجر ہے اس کو جوائن کریں تاکہ میں آپ کی مدد بھی کر سکوں. جزاک اللہ خیرہ.